जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने गरीबों के हित में ढेर सारी योजनाएं बनाई, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा ही गरीब के हित में नहीं सोचा, जबकि भाजपा हमेशा गरीबों के साथ खड़ी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि आज माहौल भाजपा के पक्ष में है, आपको अपना मतदान करना है। तालियों की आवाज बता रही है कि माहौल पटवा के पक्ष में है। आज सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुरेंद्र पटवा को लोकप्रिय प्रत्याशी कहा। उन्होंने पटवा के पक्ष में भोजपुर की जनता वोट डालने जा रही है, ये झांकी जनता के चेहरे पर दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि तालियां संकेत दे रही हैं, ये भोजपुर भाजपा के साथ खड़ा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने ओजस्वी भाषण में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस को भ्रष्टाचार की पार्टी कहा जाता है, हमेशा ही ये अमीरों के हित में सोचती है। उन्होंने भाजपा के वोट देने और कांग्रेस को वोट न देने की बात कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबल योजना की गरीबों के हित में बताते हुए उनकी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सफल योजना से गरीब को ताकत और सहारा मिला है, हमें ऐसे ही योजनाएं हमेशा गरीबों के लिए बनते रहेंगे। कमल इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सब लोग जो नौजवान हैं, उन्होंने कांग्रेस की शासन का समय नहीं देखा है। उनको मालूम नहीं है कि 20 साल पहले मध्य प्रदेश की तस्वीर क्या थी। और मैं बार बार बोलता हूं, पूर्णमासी को, चंद्रमा को, चंद्रमा भगवान को नमन करना हो तो पूर्णमासी को याद करते हो, तो अमावस्या को भी याद करना चाहिए, तभी पूर्णमासी का स्वागत आता है। अगर उजाले का आनंद लेना चाहते हो तो अंधकार को भी याद रखना चाहिए। और जब मैं अंधकार बोलता हूं तो यही मध्य प्रदेश, इसका नाम मध्य प्रदेश नहीं था, इसका नाम बीमारू राज्य था। बीमारू यानी जो बीमार पड़ा है। मैं उस समय अपने प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था और मैं बड़ी मेहनत करता था और मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के सूचकांक, बच्चों के स्वास्थ्य के सूचकांक, इनकी चिंता करता था और कोशिश करता था कि स्वस्थ बच्चा हो, स्वस्थ जच्चा हो और स्वस्थ प्रदेश हो। लेकिन जब मैं देश के आंकड़े देखता था तो वो मुझे खींच कर नीचे ले आते थे और मैं दुखी होता था। मैं पूछता था, भाई इतनी मेहनत करता हूं उसके बावजूद ये नतीजे क्यों? तो बताया जाता था कि आपकी गलती नहीं है,